हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग इन स्वीडिश। तो स्वीडिश में जब भी हम लिखते हैं तो किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सा वर्ब कहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, और इजी तरह से बताऊंगी विद एग्जाम्पल ताकि आपको आसानी हो। जो फायदा है इस वीडियो में देखने का वो है कि मैं और फोर टाइप्स के जो सेंटेंसेस में लिखने वाली हूँ, आपके पास एक पैटर्न बन जाए कि इस तरह के ये तीन या चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और जब आपको सेंटेंस मेकिंग करनी हो तो आपके दिमाग में याद रहे कौन से टाइप का सेंटेंस अभी हम बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वेरी सिंपल बेसिक सेंटेंस मेकिंग, जब हम नॉर्मल एक प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो अब मैं दूंगी आपको एग्जाम्पल वेरी सिंपल सेंटेंस का, ये रहा, जहां पे आप देख सकते हो इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, योर गौर तिल स्कूल ऑन पोम मोंदाग, जिसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू होता है, फिर वर्ब शुरू होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में हमारा होता है पहले प्लेस फिर टाइम। तो वेरी सिंपल वे, योर गौर तिल स्कूल ऑन पोम मोंदाग। तो ये आ गया एक हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, जो कि बहुत ही ईजी लेवल पे होता है, बहुत ही बेसिक होता है प्रेजेंट टेंस में। सिंपल सेंटेंस की तो हमेशा जो वर्ब होती है वो सेकंड प्लेस पे होती है, योर गौर, योर लियकर, योर स्पीलर। तो जो वर्ब होती है हमेशा हमारी सेकंड प्लेस पे होती है जब भी सेंटेंस मेकिंग होती है। सो, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। जब हम कोई भी सेंटेंस में कोई एडवर्ब डालते हैं, एडवर्बियल होती है, तो कैसे चेंज होता है और कौन से प्लेस पे आपका एडवर्ब ऐड होता है। अब जब हम एडवर्ब डालते हैं तो एडवर्ब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ ऐसे, दिस वन यू कैन सी हेयर, यहाँ पे लिखा है योर गौर ऑलतीद तिल स्कूल ऑन पो मोंदाग। तो ऑलतीद क्या है, एडवर्ब है, ऑलतीद हमेशा ही जाता हूँ, ठीक है, पो मोंदाग। एडवर्ब की एग्जाम्पल मैं दूंगी, एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इन, इनते, इब्लांद, ऑफ्ता, ये तरह, ये सारी चीजें क्या है, एडवर्ब होती है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, योर गौर इनते तिल स्कूलन पोर मोंदाग। तो जब इनते आ रहा है तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, काफी ज्यादा जो स्ट्रेस पड़ता है वो एडवर्ब पे होता है। तो एडवर्ब हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है जब भी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल टेंस की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ यस्पियलर इनते फुटबॉल, जब मैं बोल रही हूँ आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ, तो जो नहीं खेलती हूँ, या फिर मैं बोलती हूँ मैं फुटबॉल हमेशा खेलती हूँ, मैं फुटबॉल कभी कभी खेलती हूँ, तो ये सारी चीजें जो है थर्ड प्लेस पे आती है, हमेशा आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद, वर्ब आपकी दूसरे प्लेस पे आती है तो तीसरे प्लेस पे आता है हमारा एडवर्ब। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं, समझ नहीं आता है किस तरह से हमको बनाना है, तो याद रखिए जो पहली भी वर्ब होती है, जो भी फर्स्ट हमारी वर्ब आती है, उसके बाद ही हमारा एडवर्ब यूज होता है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट सेंटेंस का, जिसमें कि हम इन्वॉल्व करेंगे बिसाद्स को। तो काफी बार आपने ग्रामर में सुना होगा बिसाद्स, यहाँ पे बिसाद्स आया है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जैक्टली है क्या ये सात बिसाद्स। सो बिसाद्स की जब हम बात करते हैं उनका मतलब होता है कनेक्टर, एज अ कनेक्टर हम यूज कर सकते हैं। जब हम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है बिसाद्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ बिकॉज, आफ्टर सम, आथ सम। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस मेकिंग कर रहे हैं जिसमें कि दो सेंटेंस है एक साथ और कनेक्ट किया है, तो कहाँ पे वर्ब लगेगी, कहाँ पर आपका बिसाद्स लगेगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कहाँ पे आपकी वर्ब आएगी, कहाँ पे साथ बिसाद्स आएगा और कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आई होप आपको ये विजिबल हो। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपली अगर बिसाद्स से शुरू करती हूँ, मैं सीधे बोल रही हूँ कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, तो हमारा क्या होता है, शुरू होता है बिसाद से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल दो, ये एक पूरा एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल है, जिसमें कि हमने बिसाद के थ्रू हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस है हन कम इनते, हुन कम इनते, वो कल नहीं आई क्योंकि क्योंकि वो टायर्ड फील कर रही थी। एफ्तसम के बाद हमारा हमेशा आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एफ्टर सम आता है, एफ्टर सम के बाद हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तो कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट ही शुरू होगा। ऑल दो जो पूरा सेंटेंस है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है, फिर कनेक्टर यूज हो रहा है, कनेक्टर के बाद हमने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब लिया, फिर ऑब्जेक्ट।
तो ये है एक सिंपल कनेक्टर जिसमें कि हम बिसात्स यूज करें, एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे हम बिसात्स यूज करें। तो लास्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, बिसात्स यूज किया, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया और एक सिंगल सेंटेंस बनाया। और उसका जो सिंपल जो फॉर्मुलेशन यही थी कि हम सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद कनेक्टर जो बिसात्स है वो यूज करेंगे और सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में जब हम बिसात्स और एडवर्ब दोनों यूज करेंगे तो कहां पे कौन सी सिचुएशन आएगी, तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ ही देती हूँ, बताती हूँ। ये मैंने लिखा है हुन कोम इनते अफ्त सोम हुन इनते हादे वीलात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। पहले तो नॉर्मल ही हमारा सेंटेंस बना है जिसमें कि वो रहे हुन कोम इनते, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब के बाद ही हमारी एडवर्ब आती है, राइट। जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आती है। बट इस केस में हमने जब नॉर्मल सेंटेंस बना दिया दैट इज फाइन, उसके बाद हमने बिसात्स लगा दिया है आफ्टर सॉन्ग। After song के बाद हम जब बिसात्स लग गया तो बिसात्स के बाद एडवर्ब की लोकेशन क्या है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मल सेंटेंस में हमारी एडवर्ब की लोकेशन हमेशा वर्ब के बाद रहती है, बट जब बिसात्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है तो बिसात्स के बाद आ जाता है हमारा सूबियत, ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब और फिर उसके बाद वर्ब। तो एडवर्ब और वर्ब इन दोनों की सिचुएशन है वो एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है हुन कॉम इनते एफ्त सोम हुन इनते हादे वीलात, कि उसने रेस्ट नहीं किया था इसलिए वो नहीं आई, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, अगर यहाँ पे बिसात्स नहीं होता, एफ्त सोम नहीं होता, तो हम कहते हुन हादे इनते वालिद, हुन हादे इनते वालिद, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट देते हैं, वर्ब देते हैं, एडवर्ब देते हैं, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास साथ बिसात्स हमने इन्वॉल्व कर दिया है, कनेक्टर यूज कर दिया है, तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वहां पे एडवर्ब की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो हम सिंपली वैसे ही चलेंगे कि कनेक्टर जो कि आपने ऊपर देखा था। काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है जब हम बिसात्स और एडवर्ब दोनों इन्वॉल्व है एक सेंटेंस में, तो आपको चेंज करनी पड़ती है लोकेशन आपकी एडवर्ब और वर्ब की। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी बार भी आप सेंटेंसेस मेक कर रहे हो आपकी जो है वर्ब हमेशा दूसरे प्लेस पे रहती है, दूसरे प्लेस पे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड पोजीशन पे आपकी वर्ब रहेगी। बट ये एक पॉइंट है नोट करने का जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि कहाँ पे है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहां पे आप देखोगे वर्ब सेकंड प्लेस पे नहीं होगा, और वो तब होता है जब आपके पास एडवर्ब है और बिसात्स है, दोनों चीजें हैं, बिसात्स हो गया एफ्टर सम और एडवर्ब भी है यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उस केस में आपका एफ्टर सम के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब और फिर वर्ब, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर सकती हूँ मैसेज में भी। टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है क्वेश्चंस वाली सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाई, वेयर, व्हेन, जब इस तरह के क्वेश्चन वाली बात आती है तब कहाँ पे पोजीशन करता है आपका सब्जेक्ट वर्ब। तो ये भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी जो कि आप सबसे नीचे देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी वे है इसमें, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखना होता है हमेशा। अगर आप इंग्लिश में बात करो तो आप हमेशा क्वेश्चन वाले चीज से स्टार्ट करते हो, राइट। तो जब आप बोल रहे हो व्हाई तो सबसे पहले आपको व्हाई यूज करना होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे हमेशा मैंने कहा हम मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है हमारी वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो वॉरफर कॉमर डू ई डॉग, व्हाई आर यू कमिंग टुडे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा अगर आप क्वेश्चन वाले जा रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वाला ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे हमेशा वर्ब रहेगी और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग मुझे याद आया, अगर क्वेश्चन वाले में ही आपको नेगेटिव पार्ट भी आना है, मान लीजिए जो आपको एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है वॉरफर कॉमर डू ई डॉग, तो अगर आपको इसमें भी नेगेटिव डालना है तो आपको आप लिखोगे वॉरफर खुंदे डू इनते, ओके, क्योंकि वॉरफर तो क्वेश्चन हमने मान लिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे हमारी हमेशा वर्ब आती है और उसके सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा हमारा एडवर्ब। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट,
वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम क्वेश्चंस वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आता है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। बट जब हम इन्वॉल्व करते हैं साथ भी साथ को, तो सबसे पहले आपका नॉर्मल जो सेंटेंस आएगा, नॉर्मल जो होता है इनका, नॉर्मल जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो, उसके बाद आपका भी साथ आता है जो कि कनेक्टर होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है, जब हमारे पास सात विसार्ट्स होता है और साथ में आपको एडवर्ब भी डालनी है, तो जब हम विसार्ट्स यूज कर दे रहे हैं उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब और उसके बाद वर्ब। तो जब भी सात विसार्ट्स और एडवर्ब हम दोनों एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में आपकी जो वर्ब है वो तीसरे प्लेस पे चली जाती है और एडवर्ब सेकेंड प्लेस पे आ जाता है। उस सिचुएशन के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ब है हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगी। तो आई होप मैंने आपको काफी हद तक क्लियर किया होगा।